हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज जो हमारा यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका आंसर है एना वर्न्स। एना वर्न्स जो हैं वो मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं, राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? इसका आंसर है अश्रुघोष। अश्रुघोष ने बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी GHI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 133वां। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी GHI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? इसका आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है यक्षगान। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है गोरखनाथ। गोरखनाथ जो थे वो नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कजली नृत्य के लिए। कजली नृत्य के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? इसका आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, जिसकी दीवारों भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का रमन मैक्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है भरत बाटवानी। वर्ष 2018 का रमन मैक्सेसे पुरस्कार भरत बाटवानी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर है खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? इसका आंसर सिक्किम में। सिक्किम राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 जो कि महिला एकल की विजेता थी, इसका आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो थी वो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 में जो हुआ था महिला एकल की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर रमेश चंद्र साह। डॉक्टर रमेश चंद्र साह को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका आंसर है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम जो मूवी थी हमारी, बॉलीवुड मूवी, उसने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? इसका आंसर है नेपाल। नेपाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है कटोविस, जो कि पोलैंड में है। पोलैंड कटोविस में दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है?
इसका आंसर है निशानेबाजी। सौरभ चौधरी का जो रिलेटेड है वो निशानेबाजी के खेल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर है केरल, केरल राज्य का। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? इसका आंसर है 2017। कुंभ मेले को जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 182 मीटर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया की है, जो कि लौह पुरुष जिनको कहते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर है प्रत्युष। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है? इसका आंसर है ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है वो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है जो कि तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, 90 ऑस्कर जो 90 ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? इसका आंसर है द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर वो है 90 ऑस्कर जो अवार्ड 2018 में आयोजित किए गए थे, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड, उसको द जो फिल्म थी वो है द शेप ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है संजय बारू। संजय बारू जो है वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर 130वां। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का 130वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज गुरुजी एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।